रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई विल नरेट अ स्टोरी नेम्ड एज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब क्या है इस कहानी में और ऐसा क्यों कहा गया है? Let's enjoy. There lived a boy named Anis with his sister Amina. Anis was the student of class 8th and Amina was in class 4th. Unfortunately, they were orphans. Orphans समझते हो? अनाथ, जिनके माता पिता नहीं होते हैं. They had lost their parents in an accident. इसलिए अनीस को अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ता था क्योंकि वो बड़ा था। अनीस अपनी बहन को बहुत पढ़ाना चाहता था और स्वयं भी खूब पढ़ना चाहता था। So he studied in daytime and gave tuitions in evening time. Tuitions के पैसों से वह अपना और अपनी बहन का खर्च निकाल लेता था। He wanted to perform his best in studies and tuitions both. So he studied wholeheartedly. On the other hand, his sister Amina did not want to study. She always used to play the whole day long. Due to this, Anis was very upset. वह अमीना को बहुत समझाता कि education is very important. If you don't study, you will fail in exams. और तुम्हारी सहेलियां तुमसे आगे निकल जाएंगी और तुम पीछे रह जाओगी। लेकिन अनीस के समझाने का अमीना पर तो कोई असर ही ना होता। She kept on playing as before. She wanted to eat good food and play with beautiful toys and to wear new dresses. और इन सब के लिए वह अपने भाई अनीस से जिद करती रही। अनीस could hardly fulfill her small desires. वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव हो। But Amina's demands were increasing day by day. Anis was worried about how he should fulfill his sister's demands. अनीस परेशान रहने लगा कि वह अपनी बहन की बढ़ती जरूरतों को कैसे पूरा करे। कुछ सोचकर उसने डिसाइड किया कि वह और भी ट्यूशन क्लासेस लेगा सो दैट ही कुड अर्न मोर मनी और वह अमीना की ख्वाहिशों को पूरा कर सकेगा। इसके लिए अनीस ने बच्चों को देर रात तक पढ़ाना शुरू किया। अमीना वॉज अनअवेयर ऑफ What her brother did late night. Amina इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका भाई देर रात तक करता क्या है, कैसे घर चलाता है। उसे तो बस अपनी डिमांड्स पूरी करने से मतलब था। One day, Amina said, भैया, please bring a beautiful gift from market. I want to give it to my friend Kavita. She has invited me to her birthday party. यह सुनकर अनीस थोड़ा परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? क्योंकि अमीना ने अपने भाई से ब्यूटीफुल गिफ्ट की डिमांड कर दी। बट ही डिड नॉट हर्ट हर। ही थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड, ओके माय डियर सिस्टर, आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट। पर यह गिफ्ट अनीस को भारी पड़ा क्योंकि उसे खरीदने के लिए अनीस को घर खर्च के पैसे देने पड़े। Anis bought a beautiful gift from market and Amina, after getting it, became very happy. She thanked Anis and said, You are the best brother in this world. The next day, दोनों भाई बहन रोज की तरह स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से लौटकर
अनीस ट्यूशन पढ़ाने चला जाता है और अमीना अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। जब अमीना अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही होती है तो रास्ते में वह अपने भाई को देखती है। एंड शी वॉज सरप्राइज टू सी हर ब्रदर। शी थॉट व्हाट हर ब्रदर वॉज डूइंग विद स्मॉल चिल्ड्रन। अमीना को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका भाई इन छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ कर क्या रहा है। शी रीच नियर हिम, देन शी गॉट टू नो दैट हर ब्रदर वॉज टीचिंग चिल्ड्रन। तब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई किस तरह बच्चों को पढ़ाकर घर का खर्च चलाता है और उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करता है। उसे बड़ा दुख हुआ। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दिस, शी डिमांडेड फॉर थिंग्स एंड इंक्रीज्ड हिज प्रॉब्लम्स। बजाय इसके कि वह अपने भाई को सपोर्ट करती, वह उससे तरह तरह की डिमांड्स रोज करती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अनीस की नजर अमीना पर पड़ी और वह सब समझ गया। पास आया और उसके आंसू पोंछकर बोला, Why are you crying, my dear? अमीना said, I'm sorry, भैया, I will never demand for anything. I'll listen to you. I'll study with all my heart. अनीस अपनी बहन को समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और खूब पढ़ेंगे, जिससे इन फ्यूचर वी विल फुलफिल आर ऑल डिजायर्स, और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। नाउ अमीना स्टार्टेड स्टडिंग होल हार्टेडली। After a few years, she also began to teach village children. अनीस की तरह वह भी छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। समय गुजरता गया। अनीस और अमीना पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे और एक दिन ऐसा आया जब अनीस को एक गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर की जॉब मिल गई एंड ही बिकेम अ गवर्नमेंट टीचर। अमीना बहुत खुश हुई। लेकिन जानते हो बच्चों, अमीना का क्या हुआ? अमीना वर्कड हार्ड एंड हार्ड। शी बिकेम एन इंजीनियर। शी मेड हर ब्रदर फील प्राउड। इंजीनियर बनके उसने न केवल अपने भाई का नाम रोशन किया बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। सो चिल्ड्रन, देयर इज अ लेसन इन दिस स्टोरी। क्या है वो? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस।